इंट्रोड्यूस कर रहा था गेस्ट को, सीमी कमाल साहिबा, चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन, और वाटर रिलेटेड इश्यूज पर बहुत गहरी नजर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया और अभी पाकिस्तान में काम किया है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि ये तो एक प्रोजेक्ट है, किस हद तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्या तरीके हैं बारिश के पानी को बचाने के। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सकता है, अभी ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे रावलपिंडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो अपनी बिल्डिंग के अंदर एक सिस्टम बनाया है, और हमारे साथ है सीमी कमाल साहिबा, चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन एंड अ वाटर एक्सपर्ट। तो सीमी साहिबा, मुझे बताएं, ये जो अपने हमने मॉडल देखा है, जाहिर है ये एक शहरी मॉडल है, एक अर्बन मॉडल है, और रावलपिंडी में चले वो तो वैसे भी रेन फेड एरिया ही है, बारिश भी ज़्यादा होती है, किस हद तक ये एक हाउसहोल्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुदरत ने एक पानी का जो निज़ाम बनाया है उसको अगर हम तोड़ते हैं ना, तो फिर उससे मसले पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो एक आबी दायरा है उसमें ये होता है कि जब भाप, पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी अपनी सतह ढूंढता है, तो वो समंदर तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसमें वो सतह के ऊपर भी बहता है और सतह के नीचे भी होता है। अब उसके अंदर ये है कि जब हम शहर की आप बात कर रहे हैं, अब शहर में हमने कंक्रीट बिछा दिया, बिल्कुल ठीक है, जब कंक्रीट बिछा दिया तो जब बारिश हुई तो पानी वो कंक्रीट पे गिरा, वो भाप बन के चला गया, वो अंदर ही नहीं गया। जब वो अंदर नहीं गया और जब उसको ज़मीन ने जज्ब नहीं किया, तो फिर ज़मीन के अंदर जो एक्वीफर का जिक्र हो रहा था, फिर वो एक्वीफर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, पानी की सतह नीचे और पानी जैसा है। वो बता रहे थे पानी की सतह नीचे होती चली जाती है, उससे ये होता है कि जो अगर पथरीली ज़मीन है या जैसी भी ज़मीन है वो फिर भुरभुरा जाती है, फिर वो टूटने लगती है, फिर उसके बहुत सारे मनफी असरात होते हैं। तो अब इस सूरत में अब ये सोचना है कि जब हम शहर पे शहर बनाते चले जा रहे हैं और लोग पानी भी निकाल रहे हैं, उनको अच्छा पानी नहीं मिल रहा, तो वो खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं और लोग जो कुछ कर रहे हैं, तो उस पर जब सतह नीचे जा रही है तो उसको कैसे रोकें हम? तो जब बारिश आ रही है तो आमतौर पर यह होता है कि किसी न किसी तरह से समझ लीजिए कि गटर बना दिए जाते हैं ऊपर की तरफ छतों पर, उस पर स्लोप बनाई जाती है, उससे जब वो जो गटरों में पानी आता है, मैं वो अंग्रेजी के गटर की बात कर रही हूँ, समझ गए ना, मतलब तो ऊपर से वो कुछ रास्ता बनाते हैं पानी को के जाने का, उसके बाद फिर वो वहाँ से पाइप के जरिए या कभी कभी तो सिर्फ एक जंजीर लगा देते हैं, वो जंजीर से ही पानी बहने लगता है, और वो फिर थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, बस उसके अंदर पानी चला जाता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो इस तरह से है कि अगर पीने के लिए पानी निकाल रहे हैं तो कुछ पानी वापस डाला जाता है, और दुनिया के बहुत से शहर हैं जहाँ पे ये करना बड़ा ज़रूरी है और उसकी बड़ी कानूनी हैसियत है, अगर आप नहीं करते तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। जैसे चेन्नई शहर है और हाँ भारत में है, उसका मद्रास नाम होता था पहले, तो मैं अपने पानी के काम के सिलसिले में वहाँ जाती रही हूँ, तो उधर क्या हुआ कि वहाँ पे एक खातून थी, उनका नाम भी मुझे याद है, उनका नाम था चंद्रा गरियाली, और वो बड़ी अच्छी सोच रखती थी, तो उन्होंने फिर ये कानून बनवाया चेन्नई शहर के लिए कि जिसको भी पीने का साफ पानी चाहिए उसको पहले अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगानी है, जो नहीं लगाएगा उसको पाइप से पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। तो लोगों को बनाना पड़ा, तो हर घर में जो वो पानी आता था उससे वो अपने घर का बाकी निज़ाम चलाते थे और पीने का पानी पाइप में आता था। वहाँ पे कुछ और मसले भी हुए, ये भी हुआ कि जो उसके आसपास जहाँ खेती बाड़ी होती थी, तो वहाँ पे जब शहर में पानी कम होने लगा तो लोगों ने वो पानी वहाँ ले लिया, तो वो खेती बाड़ी भी तबाह होने लगी, वो एक दूसरी कहानी है, लेकिन बहुत से शहरों में ऐसा होता है और मौके की मुनासिबत देख के कवानीन भी बदलते रहते हैं। मसलन हम हर बात में इंग्लिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जब कभी ड्राउट आता है, और अब आने लगे हैं ड्राउट, एक ज़माने में तो रोज़ बारिश होती थी, हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आने लगे हैं, तो जब वहाँ पे हल्का फुल्का ड्राउट जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा नहीं, वो फौरन कानून लागू हो जाता है कि गाड़ियाँ नहीं धो सकते, प्लांट्स को पानी नहीं दे सकते, पाइप से पानी नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें अगर छोटी छोटी हम करना बंद कर दें तो उससे हम काफ़ी पानी की बचत कर सकते हैं, लेकिन मसला काफ़ी पेचीदा है, तो सिर्फ एक काम करने से नहीं होगा, हमें एक दो तीन चार पांच काम एक साथ करने हैं, कुछ सरकार को करना है, कुछ मुझे और आपको करना है, कुछ दूसरे इदारों को करना है। तो ये है कि अभी जो हमने देखा था, जो पिंडी में देखा, उन्होंने बड़ा सही किया है, क्योंकि पिंडी का जो इलाका है वो बारानी है,
यानी उसमें सारा पानी बारिश से आता है और वहाँ पे कोई नहरों वगैरह का निज़ाम नहीं है, और वहाँ पे अगर पानी की सतह इतनी तेज़ी से नीचे हो रही है तो अब तो ये भी नहीं होगा ना कि ऊपर से नहर चल रही है तो उसमें से कुछ पानी निकल गया तो वो पहुँच गया, ऐसा नहीं है। तो ये करना बड़ा वहाँ लाजमी था। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये इन्होंने ये काम शुरू किया है तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर कानून बनाएं, हर घर में लगवाएं, हर स्कूल में लगाएं, हर बिल्डिंग में लगाएं, तो तभी काम चलेगा। तो आपने कोई ऐसी एफर्ट की कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जाए कि हुकूमतें भी सोचें इस बारे में? 40 साल से लगे हुए अपने मुल्क में, कोई नहीं पूछता। दूसरे मुल्कों से अवार्ड्स मिल चुके हैं, दूसरे मुल्क सुन चुके हैं, मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, लेकिन अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। जब ये वाटर पॉलिसी का काम है, हम लोगों ने एक सिटीजन्स वाटर पॉलिसी बनाई थी हिसार फाउंडेशन ने, हम लोग तंग आ चुके थे सुन सुन के कि पॉलिसी बन रही है उसके अंदर ये सब कुछ है, कंजर्वेशन भी डाला है। देखिए पॉलिसी जो होती है ना वो एक लंबी बस एक फेरिस नहीं होती कि सारे काम करने हैं, आपको सोचना होता है कि एक वक्त एक मुद्दत के अंदर कितना काम हमें करना है, कौन सी चार पांच चीज़ें करनी है, उस पर क्या लागत आएगी, कौन क्या करेगा, कौन सा इदारा क्या करेगा। तो एनीवे हम लोगों ने एक बनाई थी 2016 में, फिर हमने सबको भेजा, वाटर मिनिस्ट्री को भी भेजा, उसके अंदर इन चीज़ों का काफ़ी तवालत के साथ जिक्र है। और ये भी नहीं ऐसे, वो तो मेरा ख्याल है बुलाना भी नहीं चाहते थे, अक्सर जगह तो हम लोग खुद ही ज़बरदस्ती घुस जाते थे। बहरहाल ये पॉलिसी है, हाँ ये लो ये ले, बहरहाल कुछ उन्होंने किया। फिर जब सरकार की अपनी पॉलिसी आ गई, अब उस पॉलिसी में एक वाटर काउंसिल है जिसके चेयर हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके अंदर 5 इंडिपेंडेंट मेम्बर्स भी होने हैं बाकी इदारों के अलावा। आई थिंक उसकी एक मीटिंग हुई थी, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शोर किया था, उसके बाद से तो कोई अभी तक मीटिंग भी नहीं हो पाई है। और फिर ये है कि वो उसका फ्रेमवर्क हम लोगों ने बना के दिया था, क्योंकि वो भी एक फेरिस्ट है और बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, तो कोशिश तो करते हैं हम लोग। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं सुनता, कुछ लोग सुनते भी हैं। वहाँ पर फ्लड कमीशन में एक दो लोग थे, उन्होंने कई साल हमारे साथ काम किया, लेकिन गाड़ी वहीं रुकी हुई है, गाड़ी आगे नहीं चलती। वक्फा लेना है, वक्फे के बाद यही गुफ्तगू करेंगे, एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं सीमी कमाल साहिबा से अबाउट वाटर कंजर्वेशन। और सीमी साहिबा, अभी शहरों की तुमने बात की, चले वो अपनी जगह, थार और चोलिस्तान जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसी की जा रही है और इसको बेहतर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत कभी कभार बारिश होती है, कभी कभी 3-3, 4-4 साल नहीं होती। इस वक्त थार बहुत हरा भरा है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। तो उनके यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर शादी की बात होती है तो वो कहते हैं हम शादी उस वक्त करेंगे जब हम इतना पानी जमा कर लें कि लोगों को पिला सकें। उनके ऐसा होता है कि हर घर में एक अंडरग्राउंड टैंक, उसको टोंका कहते हैं, अंडरग्राउंड होता है वो, और वो ऐसी हल्की सी स्लोप होती है, उसके नीचे होता है और एक ऊपर चिमनी जैसी निकली होती है और उसमें स्लैब्स बने हैं, तो उससे वो एरेशन होती रहती है और ऑक्सीजनेशन होती रहती है। तो जब बारिश होती है, चाहे वो 1-2 घंटे के हो, उसमें वो सारा पानी अंदर चला जाता है, उस पर बाकायदा ताला लग जाता है, लाइक ट्रेजर, बिल्कुल ताला लग जाता है, फिर वहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ी इनोवेशन ये थी कि हमारे बहुत से दोस्त हैं थर में, मैं खुद वहाँ कोई 25 साल से काम करती रही हूँ, तो एक इनोवेशन ये किया था कि एक हर मोहल्ले में या हर विलेज में समझ लें एक और पॉन्ड बन गया जो इन छोटे टोंकों से बड़ा था, और फिर कई विलेजेस के बीच में उससे बड़ा एक पॉन्ड बना दिया। तो जब बारिश हुई तो सब भर गए, तो पहले ही वक्त जो सबसे बड़ा पॉन्ड है उसको इस्तेमाल किया, उसका पानी, उसमें हम लोगों ने फिल्टर प्लांट भी लगा दिया था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था और उसमें गंदगी आती रहती थी। उसके बाद जब वो पानी ख़त्म हो गया तो फिर वो नंबर 2 लेवल पर जो था उसका पानी इस्तेमाल हुआ। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर घरों में जो ताले लगे हुए थे टोंके, फिर वो ताले खुले और वो इस्तेमाल हुआ। तो ये अगर 7-8 महीने कभी साल भी चल जाता है, तो इस तरह के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। और फिर ये है कि जब काश्तकारी की जाती है तो हमारे यहाँ तो हम तो फ्लड वाटर में करते हैं ना, अब सालों से बात हो रही है कि उस तरीक़ेकार को बदला जाए। अभी भी बहुत से इलाके पाकिस्तान में जहाँ पे पुराने तरीक़ेकार होते हैं, कच्चा घड़ा ले लें, उस पर पानी डाल के रख दें, आहिस्ता आहिस्ता पानी रिसता रहता है, उस पर पूरा दरख्त पल जाता है। इस तरह के बहुत सारे और तरीके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा एक असासा है जिसे कहते हैं फोक विजडम का, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और बात ये हो रही थी, आप तो पानी की हार्वेस्ट की बात करिए, मैं तो कह रही हूँ
कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो भी हार्वेस्ट हो सकता है। मैं करती हूँ अपने घर में, अभी नहीं कोई 20 सालों से। उसमें ये है कि जब आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो उससे जो कूलनेस होती है उससे कंडेंसेशन होता है, तो वो अगर आप छोड़ दें तो वो कंक्रीट पे गिरता है, दोबारा भाप बन जाता है। लेकिन आप अगर उस पानी को जब वो गिर रहा है, एक पाइप लगा के जेरी कैन में बाल्टी में भर लें, उसको इस्तेमाल करें। मेरे घर में 200 पॉट्स में गार्डन है, वो यही पानी इस्तेमाल होता है। तो मॉइस्चर तक हार्वेस्ट किया जाता है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत सारी जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं दिन में और रात में, डेजर्ट एरियाज में खास तौर पे, तो उन इलाकों में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे अगर आप किसी किस्म की मेटल सरफेस या कोई और सरफेस बना दें तो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से कंडेंसेशन होती है, वो पानी जमा हो जाता है। लोगों ने कुछ बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं इस तरह के कि उसके नीचे से एक पाइप लगा हुआ है, उसका पानी बचता है। बहुत कुछ हो सकता है। और वो देखिए, पानी सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है कि एक दफ़ा बचा लिया, उसको बार बार इस्तेमाल करना है। दुनिया के छोटे छोटे शहर या बड़े शहर भी ऐसे हैं जिसमें 17, 18, 19 दफ़ा वही पानी इस्तेमाल होता रहता है, फिर उसको डाल देते हैं लेक में, समंदर में, फिर नया पानी इस्तेमाल करते हैं। सिंगापुर खासतौर पर उनसे बहुत सीख सकते हैं, पीने का पानी भी उनका रिसाइकल होता है। चलिए सीख पहुंचते हैं, ये जो है और आइंदा जो वाटर पॉलिसीज बन रही है उस पर भी हम आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।